सभी साथियों को नमस्कार। जय भीम, हुल जोहार, जय बिरसा मुंडा। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहले तो मैं माफी चाहती हूँ कि थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए, टेक्निकल फॉल्ट कुछ हो गया, तो लगभग 15 मिनट हम लेट हो गए। और लेकिन अब शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने सभी साथियों की ओर से, दर्शकों की ओर से, जो भी सुन रहे हैं, जो भी फेसबुक लाइव पर देख रहे हैं, उन सब की तरफ से हमारी जो कर्मठ साथी हैं प्रोफेसर सोना झरिया मिंज जी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम है, उनको बहुत सारी मुबारकबाद है। और आज वो जिस पोस्ट पर पहुंची हैं, हम सब के लिए बड़े प्राउड की बात है। हम सब बहुत ज़्यादा, प्रोफेसर साहब बहुत खुश हैं। वो हमारी एक्टिविस्ट साथी हैं, प्रोफेसर भी हैं, मतलब वो मल्टी टैलेंटेड हैं। तो आज, और वो एक महिला हैं, आदिवासी महिला हैं, और उनका जो उपलब्धि है वो, मतलब मैं कहूँगी कि ऐसी उपलब्धि है जैसे किसी जैसे कि बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे चढ़कर, जैसे मैं हिमालय पर्वत पे चढ़ जाना, उस तरह की उनकी उपलब्धियां हैं। तो मैं आपका सोना झरिया जी स्वागत करती हूँ, और अब हम बातचीत शुरू करते हैं। तो मैं भी आपको, अनिता जी और सभी दर्शकों को मेरी ओर से हुल जोहार, जय धर्मे, जय भीम। ये मेरे लिए अति गर्व की बात है कि मुझे इस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी के पद के लिए चुना गया, और मैं इसके लिए झारखंड के हमारी राज्यपाल गवर्नर मैडम को, जो हमारी चांसलर हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे नाम अप्रूवल करके एक जो विश्वास मेरे नाम के साथ उन्होंने जोड़ा है, ये मेरे लिए बहुत जिम्मेदारी की बात मैं मानती हूँ, और इसको मैं निभाने के लिए अगले 3 साल में कोशिश करूंगी। प्रोफेसर साहब, हमने सोचा था कि ये जो बातचीत है हम बहुत साधारण रखेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, आप कहाँ से आए हैं, कैसे आपने, मतलब आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके पेरेंट्स वगैरह के बारे में थोड़ा आप बताइए। मेरे पिताजी का गांव झारखंड और छत्तीसगढ़ के एकदम बॉर्डर पर पड़ता है, और ये बहुत छोटा सा गांव है, बल्कि टोला है, और इसका नाम इसलिए औरा टोली है, जो कि एक मेन गांव डिबडही, ये एकदम बॉर्डर पे पड़ता है छत्तीसगढ़ के अभी तात्कालिक जशपुर जिले से। तो गुमला जिले का एकदम पश्चिमी हिस्सा, जो कि जशपुर जिले से लगा हुआ है। मैं 5 साल की उम्र से लेके, अगर आज भी अगर मैं जाने की कोशिश करूं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो मेरे पिताजी के गांव को पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर हमें चलना पड़ता है। तो अगर मैं आज जाना चाहूं तब भी, और जब मैं 5 साल की थी तब से भी, वो हम लोग पैदल जाते थे। पर मेरा बचपन रांची में गुजरा, और मैं वहां एक हिंदी मीडियम स्कूल में गई, जो भी कि मुझे हिंदी मीडियम स्कूल में जाने से भी कुछ कठिनाइयां हुई, जो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि उस कठिनाई के कारण मैं आज भी जो क्षेत्रीय भाषा और आदिवासी भाषाओं को बोलते हुए बढ़ते हैं बच्चे, और उन्हें जो फॉर्मल भाषा है, जो किसी भी प्रदेश की, उसको सीखकर उसमें शिक्षा पाने में कितनी दिक्कत हो सकती है, इसका मुझे थोड़ा सा अनुमान है, क्योंकि मेरे पिताजी शिकागो से पीएचडी करने के लिए गए, तो इसलिए मेरे पिताजी की डिग्री तो पीएचडी है, वो डॉक्टरेट है, पर वो अपने अपने परिवार में फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, और उनकी माता की, मेरी दादी जी का सपना था कि उनके बच्चों में से कम एक बच्चा पढ़ जाए,
इसलिए जब मेरे पिताजी एक बार अपनी बहन की देहांत की खबर सुनकर गांव भाग कर आ गए थे अपने स्कूल से, बोर्डिंग स्कूल से, तब मेरी दादी ने उनको घर भी नहीं घुसने दिया, बोला तुम जाओ, उनको एकदम खेत से ही बाहर भेज दिया था। ये था मेरी दादी का लगन। और मेरी दादी 4 क्लास तक पढ़ी थी और मेरे दादाजी 1 क्लास, तो कुछ ऐसा माहौल था कि दादी जी मेरे दादाजी से थोड़ा शिक्षा में मतलब कितनी कक्षा पढ़ाई ऊपर थी, और इसलिए उनके उनके मन में शिक्षा के प्रति एक रुझान इसलिए था कि शिक्षा, शायद ये मेरी दादी ने सपना देखा होगा, ना केवल डिग्री के हिसाब से परंतु शिक्षा का क्या मूल्य है, शायद मेरी दादी ने उस समय समझा होगा। और फिर मेरी माँ, मेरे पिताजी तो खैर उन्होंने गांव के स्कूल में पढ़ा, फिर गुमला के हाई स्कूल में पढ़ा, और फिर उनका प्लस टू अभी संत कोलंबस कॉलेज जो है, जिसके आधार पर हमारे झारखंड प्रदेश का एक और यूनिवर्सिटी बना है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, तो वहां उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और आगे रांची यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की। और वैसे वे पढ़ाई में प्रखर थे, इसलिए जब वो सेकेंडरी स्कूल में थे तो उनको शायद एक बार उनके अंग्रेजी के शिक्षक ने 10 में से 11 नंबर दिया था, तो ये मेरे पिताजी की प्रखरता का एक प्रमाण था। और मेरे पिताजी जब गांव के स्कूल से हाई स्कूल में आए थे, और उस समय वहां के टीचर ने लड़कों को, स्टूडेंट्स को डांटा कि तुम लोग हिंदी में बातचीत नहीं करते हो, तुम लोग अपनी भाषा में बातचीत करते हो, तो मेरे पिताजी ने उनसे कहा कि आप शायद उनसे कहा, ये मेरे पिताजी बोलते हैं कि आप हमारा टेस्ट अंग्रेजी में लेकर देखिए। तो फिर उनका टेस्ट, एडमिशन के लिए टेस्ट अंग्रेजी का लिया गया, और उसमें जो जो स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए उनको तो एडमिशन देना था, क्योंकि इस शिक्षक को उन जो स्टूडेंट थे उनकी अपनी भाषा में बातचीत करने से तकलीफ हो रही थी, और मेरे पिताजी ने उनको चैलेंज किया कि हमारा टेस्ट आप अंग्रेजी में लीजिए, हिंदी में नहीं, क्योंकि वो ही भाषा आगे जाके अभी भी हायर एजुकेशन में उसी का स्थान है, और उसी के द्वारा कहीं भी आगे बढ़ा जा सकता है। और इसलिए एक बात मेरे पिताजी के जीवन में था कि हिंदी भाषा ठीक है, वो अभी तो राष्ट्रभाषा का उसका दर्जा हो गया है, परंतु हिंदी भाषा हर एक के लिए स्वाभाविक भाषा नहीं है, और स्वाभाविक भाषा वो है जो मातृभाषा है, और जिसको बच्चे बचपन से या फिर हम लोगों अब ज्ञान है कि बच्चे पैदा होने के पहले से भी सुन सकते हैं, तो इस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का वो अपनी मातृभाषा में होता है। तो ये एक तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि मेरे पिताजी की, मेरी माँ अपने परिवार में फर्स्ट जनरेशन नहीं, सेकेंड जनरेशन लर्नर है, इन्होंने ज्योग्राफी की पढ़ाई की, उसके बाद मेरी माँ भी धार्मिक शिक्षा के लिए जर्मनी जाकर पढ़ी थी, हम लोग, और परंतु वो एक हाउसवाइफ तो मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मेरी माँ घर पर कभी नहीं थी। मेरे पिताजी धार्मिक शिक्षा के कॉलेज में वो पढ़ाने लगे थे यूएसए से लौटकर, परंतु फिर भी जो शिक्षा के मूल्य का एक मंत्र जो परिवार में था, शायद दादी से पिताजी को और पिताजी के जीवन में वो था, उसके तहत उन्होंने देखा कि आदिवासी क्षेत्रों से, आदिवासी नहीं, रांची जो एक छोटा सा समय टाउन था, और दूर दराज से, गांव से और ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों से जो स्टूडेंट छात्र पढ़कर आते हैं, उनका उनका नंबर, उनका मार्क्स 3rd डिवीजन के ही आसपास आता है, बहुत मुश्किल से किसी का लोअर सेकेंड डिवीजन मतलब एकदम केल 50 को क्रॉस किया ऐसे आता है, उसके कई कारण होंगे, परंतु मेरे पिताजी की सोच थी कि हर चरण में अच्छी शिक्षा मतलब क्वालिटी एजुकेशन का मौका यदि हर छात्र को मिले तो शायद वो वहीं से भी टॉप ऑफ कर सकता है। और इसलिए उन्होंने 1971 में
एक ऐसे कॉलेज की स्थापना की जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थर्ड डिवीजन था, और उसमें फर्स्ट डिविजनर्स का बिल्कुल एडमिशन नहीं मिलता था, हाई सेकेंड डिविजन भी हो तब भी एडमिशन नहीं मिलता था, लो सेकेंड डिविजन के लिए मिल जाता था अगर सीट्स खाली हो। तो ये इस तरह के एक रेडिकल विचार वाले मेरे पिताजी थे, और मेरी माँ भी उतनी ही रेडिकल अपने आप में रही थी, क्योंकि महिलाओं का जो अस्तित्व है और बराबरी का अस्तित्व है उसको मैंने मेरी माँ की बातचीत से, और जिस तरह का उनका रेस्पेक्ट, जिस तरह का सम्मान मेरे पिताजी देते थे और दोनों के बीच में मैंने देखा, उसी से मुझे ये मेरे दिमाग में ये घर कर गया ये बात, ये कॉन्सेप्ट की औरत और मर्द अलग नहीं है, एक ही। और ऐसा हुआ कि मेरी तीन बहनें हैं, हम लोग चार बहनें ही केवल हैं, और कहने के लिए भी हमारे कोई भाई नहीं है, पर शायद मेरे माँ पिताजी को आज की तारीख में बिल्कुल ये कमी नहीं महसूस होती होगी कि बेटा जो पैदा किया, क्योंकि मेरे ख्याल से जो बच्चों की जो काबिलियत या बच्चे जिस मुकाम तक पहुंचते हैं वो बेटा हो या बेटी दोनों के द्वारा हो सकता है। और जिस तरह से मैंने JNU में प्रवेश पाकर पढ़ाई की वो हमारे परिवार के लिए एक बहुत अचीवमेंट की बात जैसे लगा, जो भी कि मैं अपने माँ और पिताजी की तरह विदेश में जाकर शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाई, परंतु मेरे ख्याल से JNU में आना मेरे लिए जीवन के लिए का एक बहुत ही सुनहरा मौका था, और शायद विदेश में इस तरह का की संवेदनशीलता में नहीं आती सोशल जस्टिस के संदर्भ में, पर JNU में रहकर जिस तरह से पढ़ने के लिए, और लगभग 1.5 साल में नहीं थी JNU में, पढ़ाने के लिए दूसरी जगह चली गई थी और फिर वापस आई, तो JNU का जो मेरा जीवन है वो मुझे लगता है मैं विदेश में भी जाकर पढ़ाई करके आती तो शायद कुछ ना कुछ कसक रह जाती जो आज है। तो ये मेरा बैकग्राउंड है लगभग। मेरी बहनें भी अपने अपने मुकाम में काफी अच्छे स्तर तक पहुंच गई। मेरी छोटी बहन मेडिकल डॉक्टर है, वो CMC बेलोर में प्रोफेसर है और वहाँ वो एक डिपार्टमेंट को हेड करती हैं। उससे छोटी बहन ने एजुकेशन में PhD किया परंतु वो अभी USA में है, और सबसे छोटी बहन ने भी PhD तक की पढ़ाई की पर किसी टेक्निकल कारणों से रांची यूनिवर्सिटी से उनको डिग्री नहीं मिल पाई, सबमिट हो गया थीसिस पर थीसिस का क्या हुआ ये नहीं पता, परंतु वो झारखंड के नेशनल हेल्थ मिशन की प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर या वो टॉप पर्सन है वहां, तो इसलिए NHM झारखंड में NHM बोलने से मेरी बहन का नाम आता है। तो ये मेरा पारिवारिक बैकग्राउंड है। और स्कूलिंग शिक्षा के संबंध में अगर थोड़ी सी बात कह दूं, क्योंकि मैं अंग्रेजी जिस समय मैं पहली कक्षा में मेरी भर्ती हुई और उस समय मुझे हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी आती थी, और पहली कक्षा में पूरा एक साल मुझे लगा मकड़ा का मतलब क्या है, मैं स्कूल से ये शब्दों को याद करके आती थी और माँ से पूछती थी कि ये क्या है ये क्या है, और इसने मुझे सर पर बहुत डंडे पड़े क्योंकि मैं लिखती नहीं थी अपने स्लिप में, मुझे समझ में नहीं आता था, और इसलिए एक साल का समय लगा मुझे बिल्कुल हिंदी सीखने में। और इसलिए मैं ये समझ सकती हूँ कि यदि कोई भी बच्चे विशेष करके आदिवासी बच्चे, क्योंकि हर ट्राइब का हर जनजाति की अपनी भाषा है और किसी दो जनजाति की भाषा मिलती भी नहीं है, तो इसलिए जब हिंदी में पढ़ाया जाता है तो हिंदी उतना ही फॉरेन लैंग्वेज है आदिवासियों के लिए जितना फ्रेंच होगा या इंग्लिश होगा। जी आपने बहुत अच्छे से बात बताई। अब पिछले दिनों में जब आप उप कुलपति बनी तो आपके बारे में काफी खोजबीन हुई कि, और अक्सर ऐसा होता है, तो मैं आपने पूरा जो वर्णन किया उसमें मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या आपको स्कूली जीवन में हमारे जैसे दलित आदिवासी बच्चों के जीवन में टीचर्स का बड़ा रोल रहता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, आपके आपको भी कुछ ऐसे अच्छे या कड़वे अनुभव हुए होंगे
जो अक्सर तो कड़वे ही अनुभव सामने आते हैं। तो आपका भी कोई ऐसा अनुभव हुआ जिसमें आपको लगा हो कि कितनी मुश्किल है एजुकेशन, क्योंकि आप तो आपके तो पेरेंट्स भी थोड़े पढ़े लिखे थे, लेकिन जो बिल्कुल जो बहुत सुदूर दूर दराज से आते हैं उन बच्चों के साथ कैसे होता होगा? तो मुझे लग रहा है इस पे थोड़ा सा आप अपनी बात रखें। जाए कि मेरे पिताजी से और हमारे आइडेंटिटी से संबंधित हो सकता है मुझे, क्यों, और परंतु चूंकि मैं तब 5 साल की थी और इसलिए बहुत क्लियरली अब जिस भी परिस्थिति थी उसको मैंने, मुझे पिक्चर तो याद है उसका, परंतु मैं एनालिसिस करके कुछ बोलना अभी उचित नहीं समझूंगी। पर एक बात, ये तथ्य है कि हमारे सामाजिक या धार्मिक बैकग्राउंड के कारण, पृष्ठभूमि के कारण, ये मेरा मानना है कि मुझे अंग्रेजी मीडियम स्कूल में प्रवेश नहीं मिला, पर हिंदी मीडियम स्कूल में मैं गई और मुझे इसके लिए खुशी भी है क्योंकि इस तरह की अड़चनें आई मेरे जीवन में और इसलिए मैं उन अड़चनों को, उन बाधाओं को पार करती हुई जहां तक भी अभी तक पहुंच सकी हूँ पहुंची हूँ। परंतु कक्षा 8 की घटना जो मैं बोलना चाह रही थी, और इसके लिए मैं बिल्कुल उस घटना को ये मानती हूँ कि वो डिस्क्रिमिनेशन की की घटना है, क्योंकि पंडित जी ने, नए वाले पंडित जी ने ये बोला मुझसे, संस्कृत तो आर्यों की भाषा है, तुम सबसे ज्यादा नंबर क्यों लाती हो? तब मेरे मन में कौन था कि संस्कृत तो एक विषय है और हर विषय को पढ़ना हर छात्र का कर्तव्य है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना ये हर शिक्षक की अपेक्षा होती है। और जब मैं सबसे ज्यादा नंबर लाती हूँ संस्कृत में, तो मेरे गुरु जी को, हमारे पंडित जी को तकलीफ किस बात की होनी चाहिए? किसी भी छात्र के बहुत ज्यादा नंबर लाने से शिक्षक को खुशी होनी चाहिए, पर यहाँ एक ऐसा मौका हुआ कि मेरे पंडित जी को मेरे सबसे ज्यादा नंबर लाने से तकलीफ थी, परंतु उन्होंने एक बात जरूर कहा कि ये आर्यों की भाषा है, इसका मतलब मेरा सबसे ज्यादा नंबर उस विषय में लाना उनके गले नहीं उतरा। तो क्या ये, मैं जो शायद आर्य नहीं थी और मुझे संस्कृत में सबसे ज्यादा नंबर नहीं लाना चाहिए था क्या? तो ये एक पहली घटना थी, और जिससे मेरे पिताजी ने, जब वो कहा कि संस्कृत ना, मेरे पिताजी ने कहा था कि बुद्धि सबको मिली है और बराबर इसका इस्तेमाल करना, मैं तो इस्तेमाल कर रही थी और उसको इस्तेमाल करने से मुझे यहाँ पर एक फादर उपस्थित हो रही थी। फिर इसके साथ ही साथ जो थोड़ी और, लगभग 3 साल के बाद एक घटना हुई, क्योंकि मुझे बचपन से ही ये चैलेंज अपने परिवार में मिला कि हमारे समाज में, आदिवासी, विशेष करके आदिवासी समाज में अच्छे गणित के शिक्षक नहीं पाए जाते, जो कि आदिवासी बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए गणित सिखाएं, तो शायद उस प्रोत्साहन के कारण और ज्यादा बच्चे गणित पढ़ने सकें, फिर साइंस पढ़ने सकें। और इसलिए मेरे माँ पिताजी जब बात करते थे कि बहुत, हमारे बहुत अच्छे साइंस गणित के शिक्षक नहीं होते, तो मेरे दिमाग में ये बचपन से रहा कि अच्छा, मुझे गणित पढ़ना है और गणित के शिक्षक शिक्षिका बनना है। और मुझे गणित बचपन से पसंद भी हो गया था, इसलिए क्योंकि गणित में भाषा की आवश्यकता नहीं थी, ये अंकों का खेल है। और जिस तरह की भाषा की आवश्यकता होती है हिंदी को या समाज शास्त्र को प्रस्तुत करने के लिए, वो गणित के लिए आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जो भाषा की कमजोरी मेरी कक्षा 1 में थी, उससे भी मुझे ये फायदा हुआ कि कम से कम गणित में मेरी पकड़ आ गई, जिसमें भाषा की आवश्यकता नहीं थी, और उसके द्वारा मेरी पकड़ उसी तरह बरकरार रही आगे भी, और मैं उसमें काफी अच्छा नंबर लाती थी। तो पूरे 1 से लेकर 11वीं कक्षा तक में 3 बार मैंने 100 में से 100 मार्क्स लाए थे, तो इसलिए मेरा मेरा काफी कॉन्फिडेंस था।
कि गणित तो मेरा एकदम प्यारा विषय है, पर इस कॉन्फिडेंस को शायद तोड़ने की इसलिए, या ये कॉन्फिडेंस, मेरा ये कॉन्फिडेंस मेरे गणित टीचर के को नहीं पाया, और वे भी गैर आदिवासी थे, जबकि हमारे स्कूल में केवल 3 गैर आदिवासी टीचर थे, बाकी सभी शिक्षक और शिक्षिकाएं आदिवासी थे। ज्यादातर लगभग 90%, 90% स्टूडेंट्स भी आदिवासी होते थे, लगभग 10% या 15 से ज्यादा नहीं प्रतिशत बच्चे गैर आदिवासी हुआ करते थे। पर इस मेरे दूसरे गैर आदिवासी टीचर ने भी अपना कोशिश किया कि जिस तरह की प्रबल पर्सनालिटी तब तक मेरी थी गणित के संदर्भ में, तो उसको कमजोर करने का उन्होंने प्रयास किया, और हमारी 4 लोगों की एक क्लास थी। नहीं तो हमारे समय में साइंस या आर्ट्स पढ़ना 8वीं कक्षा से होता था, और हम 9वीं और 10वीं में, या पहले था 10वीं और 11वीं में, हम चाहे तो बायोलॉजी पढ़ सकते थे या इलेक्टिव एक एडवांस मैथ्स पढ़ सकते थे। तो चूंकि मेरी पकड़ गणित में अच्छी थी, इसलिए मेरे पिता, मेरे पेरेंट्स और दूसरे टीचरों के साथ कंसल्ट करके उन्होंने कहा कि एडवांस मैथ्स भी एक सब्जेक्ट रख लीजिए ताकि कुछ बच्चों को फायदा हो जाए। हमारी कुल 4 लड़कियों की का ये क्लास था, जिसमें मैं एक आदिवासी, एक अकेली आदिवासी छात्रा थी, और मेरे इस शिक्षक ने, मेरी क्लासमेट्स के सामने, जिन्होंने शायद कभी मेरे बराबर नंबर नहीं लाया होगा या तो ज्यादा से ज्यादा मेरे बराबर लाया होगा, उनके सामने मुझसे कहा कि कॉलेज में बायोलॉजी ले लेना, तुम मैथ गणित नहीं सकोगी। तो फिर दोबारा ये दूसरा अवसर था, मुझे मेरे मेरे पढ़ने की धुन को और मेरी कामयाबी को चैलेंज करने का, और इसलिए मैंने कहा, मैं उस समय मेरे मन में केवल एक ही भावना आई, हाउ डेयर ही, मतलब, या फिर अभी हिंदी में मतलब बोलूं, इनको हिम्मत कैसे हुई, और वो मुझको ये बात बोलने की, जिसने जिसका हमेशा गणित में सबसे ज्यादा अंक आता है, उसको मेरी क्लासमेट के सामने में बोल रहे हैं टीचर। तो फिर मैंने कहा नहीं, पढ़ूंगी, और उस दिन मैंने अपने मन में रिजॉल्व किया, पढ़ूंगी तो केवल मैथ्स पढ़ूंगी और इनको दिखा कर रखूंगी कि मैं क्या चीज हूँ। और फिर इसलिए मैं उस बाधा को भी, वो हो सकता है मुझे डिस्करेज करने के लिए मेरे सामने आया, पर मैं उस बाधा को भी आज इनडायरेक्टली मेरे जीवन में इस कामयाबी के लिए एक आवश्यक ये मानती हूँ, क्योंकि वो बाधा ना आती तो मैं उसको जंप नहीं कर पाती, वो रिजॉल्व मेरे मन में नहीं आता कि पढ़ूंगी तो केवल मैथ्स पढ़ूंगी। और देखिए संयोग कि आप को मैथ पढ़ने से रोका गया और आप साइंस, मतलब आप जो है कंप्यूटर साइंस की प्रोफेसर बनी, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि वैसे तो ये होता है कि किसी, अगर जैसे हम ये कहेंगे कि गैर दलित परिवार में या आदिवासी परिवार में बच्चा जन्म ले तो बहुत खुश होते हैं 100 में से 100 नंबर लाने पे टीचर्स, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से रोका गया। तो और मुझे लगता है कि जो आपका मैथ का रास्ता था वही शायद जेएनयू के रास्ते, एक रास्ता खोला उसने जेएनयू आने का। तो आपके जो जेएनयू के जो आने का है वो हम चाहते थे कि थोड़ा, जैसे आप विश्व की एक बहुत ही उच्च, हम कहेंगे उच्च कोटि की यूनिवर्सिटी, या मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल मापदंड पे खरे उतरने वाली, जो कि आपने पहले भी कहा कि मुझे लगा मैं विदेश में ही पढ़ रही हूँ जेएनयू पढ़ करके, तो आपकी जो स्कूल से लेके जेएनयू तक की यात्रा थी थोड़ा उसके बारे में आप बताइए, और जेएनयू में कैसे आप हेड बनी डिपार्टमेंट की। जेएनयू और अभी आप जी प्रेसिडेंट भी बनी। तो जेएनयू आना एक संयोग नहीं था। मेरे जीवन में जब स्कूल के बाद मैं कॉलेज में गई, तो जितने भी कॉलेज में मैं पढ़ी, तो वो प्राइवेट कॉलेज, क्रिश्चियन कॉलेज थे, और इसलिए पब्लिक कॉलेज नहीं थे। और परंतु ये एक यूनिवर्सिटी था जिसके बारे, जब से ये यूनिवर्सिटी खुला था, क्योंकि मेरे पिताजी कॉलेज,
के प्रिंसिपल भी थे, फाउंडर प्रिंसिपल, तो इसलिए कम से कम इतनी चर्चा तो हमारे घर में थी कि अच्छा जेएनयू एक यूनिवर्सिटी खुल गया। ये जब यूनिवर्सिटी स्थापित हुआ तब से उसके कुछ ही सालों के बाद इसकी चर्चा हमारे घर में हुई। और फिर जिस तरह की शिक्षा यहाँ होती थी और जिस तरह की उन्मुखता यहाँ थी, प्रोग्रेसिवनेस थी, उसकी चर्चा भी थोड़ी बहुत मेरे पेरेंट्स के बीच में होती थी। और जिससे हो सकता है मेरी माँ का को तो, मेरी माता जी को थोड़ा भय भी लगता था कि अच्छा इतना खुला माहौल है, परंतु ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी ने जब एक यहाँ के विद्यार्थी जो आदिवासी थे और हमारे घर आए थे और वहां, तो फिर जब वो चले गए बातचीत इत्यादि कर कर, तो मेरे पिताजी ने कहा भी तुम लोगों में से भी किसी को जेएनयू में पढ़ना चाहिए। तो ये उनका एक पासिंग कमेंट था, क्योंकि जेएनयू का नाम स्थापना से ही जेएनयू का नाम पूरे देश में होने लगा था। और वाकई में जेएनयू फॉरेन यूनिवर्सिटीज के एक रिप्लेसमेंट अपने ही देश में होने का, ये हम जब मैं अभी इतने साल जेएनयू में रही और शिक्षकों के साथ और हमारे टीचर्स के स्ट्रगल्स का हिस्सा रही, और जितने भी हमारे पुराने टीचर्स जो कि स्थापना के समय से जो टीचर्स थे उनसे सुनने का मौका मिला, तो पता चलता है कि इसके पीछे क्या था और उस समय की टीचर्स का ऑब्जेक्टिव क्या था, लगन क्या थी, तो वो सब वाकई में जेएनयू के बाहर सुनाई पड़ता था। और इसलिए जब मैं आगे पढ़ाई करना चाह रही थी, मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स के रिसोर्सेस इतने नहीं थे कि चार बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जा सके उनके खर्चे पर, और इसलिए मुझे लगा कि ये एक मौका है जहाँ पब्लिक इंस्टीट्यूशन है और यहाँ स्कॉलरशिप उनको अवेल करने की उनका अपॉर्चुनिटी होगा। और हमारी जो एक गार्डियन थी उन्होंने एक नहीं मेरे लिए दो फॉर्म भेजे, एक जो मेरे कॉलेज में भेजा और एक मेरे घर पर। तो मैं हमेशा बहुत से इस तरह की घटनाओं को इस तरह से लेती हूँ कि ये ईश्वर का एक संदेश है कि फॉर्म तो भरना है। अगर मैं घर चली जाती तब भी मुझे घर फॉर्म भरना था, कॉलेज में अपने पिछले कॉलेज में थी वहां से भी भरती थी, और इसलिए ये एक चिन्ह थे कि मुझे इस दिशा में आगे बढ़ना है। मैंने फॉर्म भरा, एंट्रेंस एग्जाम लिखा जो कि मेरे एमएससी के एग्जाम के लास्ट एग्जाम के अगले ही दिन था, इसलिए जितनी पढ़ाई हो सकती थी अपने एमएससी के पेपर्स के साथ उतना करके मैंने एंट्रेंस एग्जाम लिखा। एंट्रेंस एग्जाम के बाद उत्तीर्ण हुई तो वाइवा के लिए, तो इसलिए वाइवा के लिए आ पाई और यहाँ भी मेरा सिलेक्शन उस समय 1986 में हो पाया। पर एक और घटना, मैं कल परसों भी किसी से बोल रही थी, मुझे जेएनयू में वाकई में जिस तरह भी जितना भी नाम सुनाम और कुनाम तो सब चलता रहता है हर एक के विषय भी और किसी भी जगह के विषय, परंतु जिस तरह की लिबरल एनवायरनमेंट भी है उसकी का एक टेस्ट मुझे जुलाई 1986 में हुआ। वो था कि मैं अपने स्कूल से हॉस्टल की तरफ आ रही थी या कहीं चल रही थी और लड़के भी थे जैसा हमेशा किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में होता है, और उस समय मेरे साथ ईव टीजिंग नहीं हुआ। लड़कियों के प्रति जो छेड़खानी होती वो पहली बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मेरे साथ छेड़खानी नहीं हुई, जिससे मैं शॉक हो गई, क्योंकि इससे पहले हर इस देश में हर लड़की को कुछ न कभी ना कभी या तो हमेशा वो ईव टीजिंग का सामना करना पड़ता है, और इसलिए इससे पहले ईव टीजिंग का ब्लेटेंट एक्सपीरियंस स्कूल जाते समय जब मैं और मेरी बहनें स्कूल जाते थे रांची में, उस समय भी उसके बाद भी जो सेक्सुअल अब्यूज हमारे ओपन स्पेस में या बसेस में जहीं भी होता है उसका एक्सपीरियंस के बाद एक ऐसी जगह में आना कि जहां ईव टीजिंग नहीं है, मैंने कहा दिस इज द प्लेस नाउ आई शुड सेटल, यहाँ मैं अपनी पढ़ाई करूं। जॉब भी की उस समय जेएनयू में, एमफिल मैथमेटिक्स में नहीं था और मेरे लिए मैथ्स बैकग्राउंड के वाले स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर साइंस ही एक ऑप्शन था, और मैंने देखा कि मैंने एमएससी कंप्यूटर साइंस एमएससी मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे कोर्सेज किए थे क्योंकि वो ऑटोनोमस कॉलेज था जो कि कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल कोर्सेज हैं,
तो इसलिए मेरे लिए एक ये नेचुरल माइग्रेशन हुआ, ट्रांजिशन बहुत स्मूथ रहा और मैं इसलिए जेएनयू आ पाई। और फिर जो वो एक दिन पहले दिन का ईव टीजिंग नहीं होने का जो एक्सपीरियंस था, उसी ने मुझे यहाँ एकदम टिक कर रहने के लिए, अपनी पढ़ाई ठीक से कंप्लीट करने के लिए मुझे बल दिया। सोना जी, आप जेएनयू में आने से पहले ही स्त्री अधिकारों से और मानव अधिकारों के आंदोलन से जुड़ी रही, या जेएनयू में आने के बाद आप जुड़ी हैं? ये जेएनयू सरोकार में आने जेएनयू में आने के बाद जुड़े हैं। के बाद, परंतु जैसे मैंने एक बार मेंशन किया था कि मेरे मेरी माँ से मैंने महिलाओं का जो अस्तित्व है, इंडिविजुअलिटी है और इक्वल इंडिविजुअलिटी है मर्दों के साथ, उस कॉन्सेप्ट को मैंने मेरी माँ की बातचीत, उसके एक्टिविटीज, क्योंकि वो महिला आंदोलनों में की हिस्सा रही थी रांची में, या हमारे चर्चेस में भी महिला संघ होता है तो उसमें भी अगुवाई का काम करती थी ताकि महिलाएं और सशक्त हों, आर्टिकुलेट हों, अपने में स्ट्रांग हो। तो इसलिए उस तरह की लीडरशिप मैंने अपनी माँ में देखा था। तो इसलिए महिलाओं के महिला आंदोलनों में भाग लेने का और बहुत ही आगे आके भाग लेने का के लिए मेरे मेरे पास अवसर मिला जब मैं फैकल्टी ज्वाइन की जेएनयू। मैं स्टूडेंट थी तब भी अपने के पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर रही थी, क्योंकि एक यहाँ भी लोगों को ध्यान देने की बात है कि क्योंकि हमारे जैसे बैकग्राउंड से लोग जब आते हैं तो हमें शिक्षा का जब मौका मिला है तो उसका पूरा फायदा अपनी शिक्षा बहुत अच्छे तरह से कंप्लीट करने का एक जवाबदेही होती है। तो वी कैन नॉट बी फूलिंग अराउंड व्हेन वी हैव द अपॉर्चुनिटी। तो एक ये मेरा माइंड सेट था, हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, परंतु उस समय मेरे और मुझे पढ़ाना था। तब तक मैंने सोचा कि अच्छा कॉलेज में पढ़ा सकते हैं, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा सकते हैं, तो इसलिए मुझे अपने जो एमफिल और पीएचडी को थोड़े अच्छे तरीके से करने के लिए मैं उस समय छात्र आंदोलनों का हिस्सा नहीं रही, परंतु फिर भी जितने भी यहाँ प्रोटेस्ट मार्च होते थे उनको मैं मानती हूँ कि उन प्रोटेस्ट मार्चेस से अवेयरनेस बिल्डिंग जो होता था मेरे लिए वो तो हुआ, क्योंकि उनके स्लोगन इतने क्रिएटिव होते हैं और बाद में पब्लिक मीटिंग्स होती हैं, जब भी कि मैं मार्च में हिस्सा नहीं लेती परंतु टॉपिक के बेसिस पे जाकर सुन लेती थी। तो इस तरह से मेरा क्लासरूम के अंदर कंप्यूटर साइंस और मेरे स्कूल के बिल्डिंग के अंदर कंप्यूटर साइंस की शिक्षा और स्कूल के बाहर कैंपस में दूसरी शिक्षा भी चला जी, और बाद में मैं महिला आंदोलनों से जुड़ी जी। नहीं, आपको हमने कई बार जंतर मंतर पे देखा, नारे लगाते हुए, टेम्पो में बैठे हुए, या उसमें मतलब पूरा बैनर को पकड़े हुए, तो बहुत अच्छा लगता है कि एक प्रोफेसर होकर के स्टूडेंट्स राइट के लिए, विमेन राइट के लिए, या और भी जो मुद्दे निकल के आते हैं, जन जन प्रद तो उसमें आप हमेशा जुड़ी रही हैं, और ये बड़ी प्रेरणा की बात है। और मुझे लगता है कि मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने अपनी नौकरी में और ये जो एक्टिविज्म में है, देखिए हमारी जो दलित आदिवासी महिलाएं, उनकी बहुत ही अलग तरीके से, मतलब उनके समाज, मतलब वो कई तरीके से शोषित हैं। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने जो ग्रो किया, जो आप अभी जो आप एक वीसी की पोस्ट ज्वाइन करने जा रही हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक मतलब मैं कहूँगी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उसमें आपने अपने एक्टिविज्म वाले जीवन को और एक आपने एकेडमिक जीवन को कैसे कैसे संतुलित किया है? मतलब आप दोनों जगह ही बहुत एक्टिव हैं। इसके लिए भी देखिए, हर एक के लिए अगर कोई उदाहरण सामने मिल जाता है ना तो उस मार्ग में चलने में आसानी होती है। और मेरे माँ पिताजी ने अपना अपना एक्सपर्टीज या दक्षता किसी एक भाग में नहीं रखा, उनका भी मल्टी फैसेटेड और मल्टी एरिया मल्टीपल एरियाज में उनकी भी एंगेजमेंट रहा, और स्पेशली सोसाइटी से संबंधित विषयों पर उनका एंगेजमेंट दोनों का बहुत रहा। और फिर से मैं कोट करना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, कि मेरे पिताजी को मेरी माता तो वही करती थी पर इस तरह से बहुत बोला नहीं उन्होंने, जो भी कि पिताजी घर में कम होते थे और हम लोग माँ के साथ ही समय बिताते थे, पर उन्होंने बोला था कि जो भी विषय तुम लोग पढ़ते हो
उससे नौकरी मिल जाएगी, परंतु एक सेकंड इंटरेस्ट भी होना चाहिए जो कि समाज से समाज से संबंधित है, जो तुम्हें समाज से जोड़ सकता है। क्योंकि हम अपनी, मेरे पैशन मैथ्स पढ़ के बहुत अच्छे प्रोफेसर बन जाती, और प्रोफेसर की पदवी मिली, अच्छी बनी कि नहीं ये तो अलग बात है, परंतु उससे मुझे अपने परिवार के संचालन के लिए आमदनी से वो काफी मिल जाता है। परंतु उसके साथ साथ तो मैं तो आगे बढ़ ही सकती थी। एक ये बात अलग है कि कभी नोबेल प्राइज पाने या ट्यूरिंग प्राइज पाने लायक काम शायद नहीं कर पाती, इसलिए और मैंने अपने पिताजी की इस बात को ध्यान दिया कि सेकेंड इंटरेस्ट होना चाहिए जो कि समाज से जुड़ा हुआ इंटरेस्ट हो। क्योंकि आप आगे निकल जाएं, समाज पीछे रहे, तो ये जमता नहीं। क्योंकि आदिवासी समाज एक कलेक्टिव वाला समाज होता है, उसमें एक परिवार की अपनी आइडेंटिटी होती नहीं, बल्कि मैं मिंज हूं और मेरे गोत्र को शेयर करने वाले हर एक मिंज मेरे भाई बहन या ये ऐसे होंगे। तो उस तरह का एक कलेक्टिव की सोच है, और गांव भी एक कलेक्टिव माना जाता है। और इसी पर कोई किसी परिवार की कोई परिस्थिति एक की परिस्थिति नहीं, पूरे कलेक्टिव की होती है। तो इस तरह ये जो सेंस ऑफ कलेक्टिव है वो बहुत ही आदिवासियत का है, और इसलिए शायद दूसरे समाजों की तुलना में आदिवासी समाज के लिए इस तरह का इंक्लिनेशन होना ज्यादा स्वाभाविक हो सकता है। क्योंकि हम, मैं और तू में बातचीत नहीं, हम ही की सोचते हैं, और परिवार केवल अपने पत्नी पति बच्चों पे सीमित नहीं हो जाता, वो आगे भी एक्सटेंडेड रहता है। उसका अंत कहाँ होता है ये नहीं बतला सकते, परंतु इसलिए ये कलेक्टिव की जो सोच है ना, तो उससे दुख होता अगर एक अकेला आगे निकल जाता है, तो इधर अब समाज छूट जाता है, तब भी लोग के बारे में सोचते हैं कि ओ वो तो बहुत आगे निकल गया या निकल गई और हम तो पीछे रह गए, और कभी, और इसलिए वो बहुत अच्छा बैलेंस नहीं बनता। तो ये तो एक सांस्कृतिक संरचना की बात है समूह के, और उसी को ट्रांसलेट किया जा सकता था अपने सेकेंड इंटरेस्ट के द्वारा। तो इसीलिए मेरी मेरे में वो संवेदनशीलता जैसे जैसे मौके आए जेएनयू में रहते, पहले सुनते सुनते और फिर थोड़े जब समय आया तो बोलते, एंगेज होते हुए। कहीं कभी कभी मैं मीटिंग्स में कल चली जाती थी पर बोलती नहीं थी, क्योंकि मैं बोलती, मैं ये तो मेरा एरिया नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं बाद में जब कुछ कुछ कहीं कहीं कॉन्फ्रेंसेस में या ऐसे पार्टिसिपेट करने लगी, तो मैं बोलती थी, मेरे सोशियोलॉजी के पढ़े हुए मेरे काउंटर पार्ट जो आते थे, मैं बोलती थी आप तो एक ही काम से आपके दोनों फायदे हो जाते, एकेडमिक भी और एक्टिविज्म भी। पर मेरी सोचिए, मेरा एकेडमिक दूसरा सब्जेक्ट है और एक्टिविज्म का दूसरा सब्जेक्ट है, मुझे डबल काम करना होता है, और इसलिए मेरी ट्रेनिंग नहीं है, मेरी शब्दावली नहीं है, सोशल साइंस की शब्दावली ही नहीं है। मैं मैथमेटिशियन की तरह सोचती हूँ, मैं लॉजिक की तरह सोचती हूँ, और उसी तरह उसी भाषा में कभी कभी बोल देती हूँ। तो इसलिए मेरे लिए गेन भी हाफ होता है, जब फायदा होना है तो मेरे लिए हाफ होता है, और जब मेहनत करना है तो डबल करना पड़ता है। परंतु इससे हम अपने आप को पीछे नहीं हटा सकते थे, क्योंकि ये जिम्मेवारी की भावना बचपन से ही मेरे माँ पिताजी ने हम सभी बहनों को दिया, और इसलिए सब लोग इसी तरह से एंगेज हैं, मेरी बहनें भी। और कैसे बैलेंस किया उसका एक ही छोटा सा सीक्रेट की तरह मैं बतलाना चाहूंगी, हो सकता है मेरे कलीग्स को बड़ा बहुत अच्छा लगेगा ये सुनकर, और मेरी यूनिवर्सिटी को शायद अच्छा नहीं लगेगा, कि मैंने अपने करियर में बहुत शुरू में ही ये सोचा कि मुझे अपने पूरे समय को डिवाइड करना होगा, बांटना पड़ेगा, और या तो मैं पूरा समय अपने एकेडमिक्स और परिवार को दूं, पर अगर मैं एकेडमिक्स परिवार और एक्टिविज्म की तरफ भी हाथ अपना बढ़ाती हूँ, तो मुझे वो एकेडमिक वाला समय को बांटना होगा। मैंने सोचा कि अगर मैं पूरा समय भी दूं, मैं बहुत आगे निकल जाऊंगी, मैं निकल सकती हूँ, जाऊंगी या नहीं ये पता नहीं, पर मैं निकल सकती हूँ, पर ये मेरे समाज के लिए
फायदे की बात नहीं होगी, पहली बात। दूसरे, मैं आगे निकल भी जाऊं तो क्या मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा? मैं उतना काम कर पाऊंगी? क्या मुझे ट्यूरिंग अवार्ड मिलेगा? मैं उतना काम कर पाऊंगी? मुझे तो डाउट था, इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, जब जब तक कम से कम ऐसे समाज जहां फर्स्ट जेनरेशन और सेकंड जेनरेशन लर्नर्स होते हैं, उनके ऊपर दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। एक तो अपना प्रोफेशन में आप प्रखर रहें और अपनी काबिलियत को प्रतिदिन साबित करें, और दूसरा अपने समाज के प्रति भी थोड़ी सोच रखते हुए संवेदनशील रहें। और इसमें डबल काम करने की आवश्यकता हो जाती है। अनीता जी, आपको इसका अनुभव है इसलिए मैं ज्यादा इलैबोरेट ना करूं। तो इसके लिए मेरा एकेडमिक आउटपुट उतना नहीं रहा है जितना हो सकता था, और इसलिए अगर हमारे मेरे स्कूल के मेरे एनुअल रिपोर्ट में मैं इतने पब्लिकेशन नहीं कर पाती जितने हो सकते थे, तो इसके ये भी कारण है, क्योंकि मैंने एक निर्णय लिया था कि मैं करूंगी, उतना ही करूंगी जितना हो सकता है, मैं उसके प्रति भी मैं उतनी ही कर्तव्यनिष्ठ रहूंगी जितना थोड़ा बहुत यहाँ, क्योंकि प्रतिदिन तो हम अपनी ड्यूटी करते हैं और कभी कभी हम समय निकालते हैं सामाजिक न्याय से संबंधित कामों के लिए। जी, तो इसलिए बिल्कुल आधा आधा बांटने की बात नहीं थी। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि जो हमारे जैसे जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो अपने मुद्दों के साथ, समझ के साथ और अपने कंसर्न के साथ और कमिटमेंट के साथ आए हैं, तो नौकरी के साथ जो काम होता है वो, मतलब मुझे लगता है कि हम ये मानते हैं कि ये हमें करना ही है क्योंकि हमारे समाज को इसकी ज़रूरत है और ये करते ही रहेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो भावना है ये प्लस है, माइनस कहीं भी नहीं है। ये हमें जोड़ती है, हर चीज़ से जोड़ती है, चाहे हमारे एकेडमिक से जोड़े, चाहे हमारे कैरियर से जोड़े, लोगों से जोड़े, मतलब पॉजिटिव एक सोच चलती है लगातार। तो आप इस, मतलब इतना आपने काम किया, आपका विषय भी बहुत टफ था, मतलब मैं ये कहूँगी कंप्यूटर साइंस, मैथ, ये थोड़ा सा दिमाग खपाऊ भी होता है, उसके बावजूद आप एक्टिविज्म में भी जुड़ी रही, फिर बहुत सारे बच्चे आपसे आकर के मिलते रहे, आपसे प्रेरणा लेते रहे, और मुझे तो लग रहा है जब आपको उप कुलपति बनाया गया तो जिस तरीके से लोगों ने जश्न मनाया वो देखने वाली बात थी। और मतलब एकदम से, जैसे कि मैं ये कहूंगी जैसे कि आकाश में वो आतिशबाजी नहीं छूटती, वैसे आपके लिए जश्न मनाया गया, तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत लोगों को प्रेरणा दी है, और आप जो हमारे जो यूथ है जो बहुत दूर दराज गांवों में रहते हैं, जो बहुत मुश्किलों से, बहुत साधनहीन है, जो मतलब जो मुख्य धारा में जिनको जुड़ना चाहिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि शिक्षा एक इनेबलिंग एम्पावरमेंट का माध्यम है और वो बिल्कुल ही होना चाहिए। शिक्षा, ये किस तरह की शिक्षा वो बाद की बात है और डिबेटेबल है, परंतु शिक्षा अत्यावश्यक है, पहली बात। दूसरा, शिक्षा हमारे पास आती है अनेक विषयों को लेकर, क्योंकि हम उन विषयों की शिक्षा प्राप्त करते हैं, और हर एक व्यक्ति की कुछ विषय उनको, किसी को ज्यादा पसंद आएंगे, कुछ विषय कम पसंद आएंगे। जैसे मुझे मैथ्स शुरू से पसंद आ गया और दूसरे सब्जेक्ट मुझे उतने नहीं पसंद आए, मतलब पसंद तो थे, मतलब उतना नहीं, 100 में से 100 तो लाया नहीं जा सकता था सभी विषयों में, नागरिक शास्त्र में तो बिल्कुल नहीं, तो तो उस तरह से तो। परंतु मुझे, मेरा ये मानना है कि हर विषय किसी, या हर स्टूडेंट को, हर छात्र को कोई ना कोई, किसी ना किसी विषय में रुचि जरूर होती है। ये अलग बात है कि कभी कभी जो हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं और फॉर्मल एजुकेशन में चीजों को देखते हैं, तो देखते हैं कि बहुत कठिन कठिन शब्दों का इस्तेमाल होता है, परंतु पर फिर भी इंटरेस्ट की अगर बात होती है तो स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं। तो इसलिए मेरा, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि पढ़ाई तो उच्च शिक्षा में तो उसी सब्जेक्ट में करो जो तुम्हें बहुत पसंद है, जिसको तुम एंजॉय करते हो, क्योंकि वो आपके ऊपर भार नहीं होना चाहिए। और इसलिए मेरा ये मानना है कि उच्च शिक्षा तक भी काफी लोग आ सकते हैं, क्योंकि सबको
कोई ना कोई विषय बहुत ही रुचिकर लगता है, और उसी रुचिकर विषय को लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए, किसी और के काउंसलिंग के आधार पर या माता पिता के उस उनकी अपनी एस्पिरेशंस के कारण कि डॉक्टर बनना चाहते थे खुद ना बन पाए तो बच्चे को बनाना है, या खुद डॉक्टर हैं तो बच्चा भी डॉक्टर बने, मतलब इस तरह की कुछ कुछ सोच है। तो मैं मेरा मेरा अपने छात्र अपने अपने यंगर कलीग्स को ये बोलने की मैं जरूरत करूंगी कि आपको भी कोई ना कोई विषय बहुत ही रुचिकर लगेगा और उस विषय को ही लेकर आप आगे बढ़ें, दूसरे विषय को नहीं। और अगर एक भी विषय आपको पसंद आ गया और उसके कॉम्बिनेशन में आगे दो सब्जेक्ट उतने नहीं है, फिर भी आपके रुचि के विषय के साथ आप आगे बढ़ें। साथ ही साथ विशेष करके हम लोग जो डिप्राइव सेक्शन से आते हैं, आदिवासी भी मूल निवासी भी, हम शेड्यूल कास्ट के बैकग्राउंड के भी, हम लोग बहुत मेहनत करने वाले होते हैं। हमारी जो शारीरिक ताकत है ना, औरों से तुलनात्मक में परसेंटेज में ज्यादा है, और इसलिए यदि आपकी रुचि खेल कूद या स्पोर्ट्स में है, उसमें जरूर भाग लीजिए। आप उसमें भी अपना हाथ उसमें भी डालिए, और अगर उसमें आप आगे बढ़ते हैं तो उसको कीजिए और पढ़ाई कीजिए, और फिर देखिए कि आपके फिजिकल एक्टिविटी जो कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स है, उसके साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे तो भी आपको फायदा ही दिखाई पड़ेगा। कम से कम आपको आपका स्थान कक्षा में नहीं तो गेम्स फील्ड में, और उससे जो प्रोत्साहन मिलता है ना खुद को, और सेल्फ वर्थ जिसको मैं बोलती हूँ, उसका एहसास होता है अपने अंदर क्या पोटेंशियल है, उसको एहसास होता है, तो उससे और बल मिलता है कि मैं अपने जो पढ़ाई का सब्जेक्ट है चलो इसको इतना ही पढ़ते हैं पर इसको ज्यादा पढ़ लेंगे, और सब कुछ मिलकर बहुत सुंदर बन जाता है। इसलिए मैंने कॉलेज में हॉकी भी खेला, क्योंकि जब मैं कॉलेज आई तो मुझे हिंदी मीडियम से इंग्लिश में आना पड़ा था, तो कुछ महीने मुझे चुप रहना पड़ा था, बहुत बोलती हूँ अभी तो, परंतु 3 महीने तो बिल्कुल मूक रही थी, और उसके बाद भी मेरी अंग्रेजी अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, पर जब बोलती हूँ कोशिश रहती है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, परंतु इसलिए मैंने गेम्स को भी, स्पोर्ट्स एंड गेम्स को पर भी अपना हाथ डाला, और इसलिए मेरा मानना है कि सबको, और मेरे पिताजी ने जिस कॉलेज की स्थापना की थी थर्ड डिविजनर्स के लिए, वहां गेम्स स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए एकदम छूट थी, और ये एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है, मेरा देखा हुआ है कि विद्यार्थी लोग यूनिवर्सिटी लेवल के और फिर स्टेट लेवल के भी खेल कूद में भाग लेते थे, और उनके कॉलेज के परसेंटेज भी बहुत अच्छे होते थे। तो ये बात एकदम गलत है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, ना 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 ना, कम से कम मैंने देखे हैं बहुत एग्जाम्पल जो मेरे पिताजी के कॉलेज में, गौसन कॉलेज में पढ़ के निकले, और मेरे मुझको खुद को ये एहसास है कि जो आत्मबल स्पोर्ट्स गेम से और सेंस ऑफ स्ट्रेंथ लगता है अंदर से, उसके द्वारा हम अपनी पढ़ाई को भी ऊंचा कर सकते हैं, तो इसलिए आप जरूर करें। तो ये तो बहुत ही, आपने बहुत प्रेरणा के शब्द कहे हैं, और मुझे लगता है कुछ हमारे वो जैसे तरन्नुम ने बोला है, तरन्नुम पौध है, बहुत ही मतलब बहुत अच्छी हमारी यंग गायिका है, बहुत अच्छे गीत गाती है, बुद्धिस्ट गीत उसने लिखा है कि बहुत उसको अच्छा लग रहा है सुनकर के, प्रेरणा मिल रही है। तो मुझे लग रहा है आपके वर्ड बहुत ही ज्यादा प्रेरणा है, और मुझे लगता है हमारे बच्चे जो हैं जो सुन रहे होंगे स्टूडेंट, उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब मैं ये सोच रही थी कि आप थोड़ा हमें भविष्य की योजनाएं बताएं, अब जब आप कुलपति का पद संभालेंगी और बैठेंगी उस पर, तो आपको पहले तो यही बताइए कि कैसा लग रहा है और फिर बैठ के कैसा लगेगा, फिर आपकी क्या योजनाएं हैं। देखिए सच मानिए तो मैंने बहुत सोचने के बाद इस एडवर्टाइजमेंट का प्रत्युत्तर बनाया, फॉर्म फिलअप किया, ये सोचते हुए कि हमारे प्रदेशों में, विशेष करके झारखंड में, कुछ नहीं हो रहा है, सिस्टम की गलती है, ये कुछ नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, लोग नहीं करते, क्यों नहीं करते, फिर
फिर मैंने सोचा कि मेरी ट्रेनिंग जिस कदर हुई है, जिस तरह के कॉलेजेस में मैं होकर आई, जिस तरह से जेएनयू में अभी तक मैं 28 साल अपना दे चुकी हूँ, और मेरा टोटली अभी इस समर में, अच्छा मई का महीना आ चुका है, अब मेरा 31 साल हो जाएगा पढ़ाते हुए. तो इतने लंबे शिक्षण के अनुभव के बाद अगर मैं थोड़ा समय अपना किसी यूनिवर्सिटी में ऐसे पद पर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के पद पर देकर कुछ करने की कोशिश करूं, और तब मैं देखूं कि जो नहीं कर पाते हैं क्यों नहीं कर पाते, तब शायद मैं उनको उनको ब्लेम करना कम कर दूं या ना करूं. और अगर कर पाती हूं तो हमारे समाज की भलाई हो सकती है. तो ये एक्सपेरिमेंट के एटीट्यूड से मैंने फॉर्म को भरा, और कुछ दे सकने की, जैसे पीबैक मैंने कभी, जब लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कंग्रेचुलेट करते हुए, तो कई एक को तो मैंने कहा कि बहुत ट्रेनिंग हो गई, अब मेरा ये एग्जाम टाइम है. कुछ को मैंने कहा कि दिस इज द पेबैक टाइम. तो यही मेरा एटीट्यूड था. परंतु जब मुझे सिलेक्शन का नोटिफिकेशन दिखाई पड़ा, तो मैं, विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाई कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बिल्कुल ही सूटेबल नहीं हूँ. मेरे क्रियाकलाप जेएनयू में कुछ इस तरह से होते थे, मुझे ऐसे पद पर रखने से समस्याएं ही ज्यादा हो सकती हैं. तो इसलिए मुझे बिल्कुल जो शॉक बोलते हैं, और रूड शॉक, प्लेजेंट पर रूड शॉक हुआ था. और फिर परंतु यथार्थ जो अभी के समय है, और जिस प्रकार से शिक्षा की ओर हमारी सरकारों का एटीट्यूड है, जिसके लिए बजट नहीं होता, ये जैसे मुझे ध्यान आया उस बात का, तो मैं थोड़ा मायूस हो गई कि मैं सोचने लगी फिर काम होगा कैसे, जब हमारी हमारे प्रदेश की सरकार की ट्रेजरी ही खाली है, तो काम होगा कैसे. तो इस तरह से ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर मैं बढ़ रही थी, तो उसके साथ एक मायूसी भी आ गई. परंतु उसी मायूसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच मैंने अभी तक में, क्योंकि 27 तारीख की शाम के बाद आज ये तीसरा दिन है, चौथा दिन है, तो मैंने सोचा कुछ चीजों के लिए तो पैसों की उतनी आवश्यकता नहीं होती. जैसा कि मैंने कल ही बयान किया था कि मुझे बतलाया गया कि संथाल परगना जैसी प्रदेश के क्षेत्र में महिलाओं की, लड़कियों की शिक्षा थोड़ी कम है, और इसके लिए आप क्या करेंगी मैम, किसी ने पूछा. तो मैंने कहा कि जिस एक काम के लिए पैसे नहीं लग सकते, वो है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज का स्पेस कुछ वैसा हो जैसा मैंने जुलाई 1986 में जेएनयू को पाया. इसका क्या मतलब है? सेफ स्पेस फॉर विमेन. मुझे लगता है इसके लिए उतने पैसे नहीं लगेंगे. अगर हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज का स्पेस कुछ ऐसा होता है कि आप आ गए कॉलेज में, अब यहाँ का डेकोरम ये है कि आप सभी बराबर हैं, इक्वल हैं, और इसलिए ना आप किसी को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, ना आप किसी को डेनिग्रेट कर रहे हैं, ना आप किसी को ऊंचा मान रहे हैं, ना किसी को नीचा मान रहे हैं, सब बराबर हैं, पीरियड. मतलब ह्यूमन है, पीरियड, फुल स्टॉप. वहां तो इस एटीट्यूड को मैं वहां लाने की कोशिश करूंगी, जिसके लिए मैं, मुझे लगता है पैसे नहीं लगेंगे. और हो सकता है इसके द्वारा स्कूलों में और विकट परिस्थितियों से लड़कियां, और ऐसे लड़के भी शायद जो कि किसी ना किसी तरह कारणवश, हीन भावना, जब मैं बोल रही हूँ बराबरी मतलब बराबरी, अगर कोई भी दूसरे लड़के भी, स्टूडेंट्स भी हीन भावना से ग्रसित, या उनको किया जाता है और आते हैं कोशिश लड़ते भिड़ते, तो अगर उनको लगा कि ये सेफ स्पेस है जहां जेंडर और इक्वालिटी हर तरह से है,
जहां मुझे मेरी दूसरी आइडेंटिटी नहीं, पर चूंकि मैं लड़की हूं और मतलब मैं ह्यूमन हूं पीरियड, मैं ह्यूमन हूं पीरियड, उस तरह से मुझे ट्रीट किया जाएगा, तो हो सकता है वहां का माहौल लोगों को और एक खुलापन देगा कि लोग केवल पढ़ाई पर कंसंट्रेट कर सकें, अपने आप को बचाने के लिए नहीं, अपने आप को बार बार डिफेंड करने के लिए नहीं, अपने आप को पर केवल एकेडमिक अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ वो अपने एनर्जी को स्पेंड कर सकेंगे। तो एक ये तो मेरी मेरी मैं इसके लिए कुछ सोच रही हूँ। साथ ही साथ हर जगह की कुछ कुछ चीजें होती हैं, समस्याएं भी हो सकती हैं, तो वो तो जाकर देखनी होगी। कुछ प्रशासनिक होती हैं, कुछ कुछ एकेडमिक होती हैं। मैंने अभी तक इस तरह के बड़े स्केल का प्रशासनिक भार कभी नहीं उठाया, इसलिए वहां बैठने के बाद कैसा लगेगा ये मैं बैठने के बाद बतला सकती हूँ, पर अभी से मुझे बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो रहा है और मैं बिल्कुल ही झारखंड सरकार की, हमारे राज्यपाल महोदया के इस विश्वास मैं कभी भी उसमें कमी आने की कोशिश नहीं दूंगी। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यथा संभव हर उस काम को कर सकूं जो इस यूनिवर्सिटी को एकेडमिक स्तर को ऊपर ले जाए। हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या हो सकता है टीचरों की समस्या हो सकता है छात्रों की समस्या हो सकता है तो सभी लोगों का मिलजुल के हम देखें, क्योंकि किसी हर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन एक इकोसिस्टम है और जहां हर कंपोनेंट का अपना रोल है, और अगर एक कंपोनेंट भी थोड़ा एलिंग है, उसमें तकलीफ है, तो उसका असर सब पर पड़ता है। और इसलिए कोशिश रहेगी कि हम सब लोग बातचीत करके एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए उस तरह का माहौल बनाएंगे। इसलिए सबसे पहला माहौल मैं कोशिश करूंगी कि वहां जो जेंडर इक्वालिटी की और सोशल इक्वालिटी की, अभी तो हमने फिजिकल डिस्टेंसिंग के बदले शब्द इस्तेमाल कर दिया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, सोशल इक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी के माहौल पैदा करने की कोशिश करूंगी। जी मुझे लगता है कि जो रियल उपकुलपति होना चाहिए उसकी अवधारणा आपने बिल्कुल समझ ली है। और आपको, आप जो कह रहे थे कि पता नहीं मुझे देख के क्या, मैं तो जेएनयू में इतनी इन्वॉल्व रही, ये आपका टैलेंट और आपका एक्टिविज्म, मतलब जो एक सोच है वो आपके सिलेक्शन का भी कारण हो सकती है। एक्चुअली उसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि जो आपने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई की वो पॉजिटिव चीज है। हमारे यहाँ थोड़ा इन चीजों को नेगेटिव देखने की आदत है, लेकिन ये एक पॉजिटिव चीज है कि आप इतने संघर्षों में जुड़ी रही लोगों के राइट, तमाम तरह के राइट के लिए। तो बस मैं, मुझे लग रहा है कि बहुत हम लोगों ने बातें की, अब मैं आपसे, मुझे ये लग रहा है कि आप जो है वो आपके आदर्श और आपके नायक क्या रहे हैं, क्योंकि हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे लिए एक हमारा जो नायकों की जो जगह है वो एक अलग तरीके से हम लोग सोचते हैं। तो आप जा भी रही हैं सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, जो कि हम जानते हैं कि वो मतलब बहुत उस तरह की पर्सनैलिटी, जिन्होंने बहुत जुझारू और लड़ाई की, और आपका भी व्यक्तित्व वैसे ही है जो हमेशा जुझारू रही कि हमारे नायक क्या है, हम कैसे मानते हैं, थोड़ा मुझे लग रहा था इन पे आप बातें रखेंगी और इसके बाद हम समअप करेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ तब तक। मेरे जीवन में इस तरह से मतलब कोई एक या दो फिक्स नायक या नायिकाएं तो नहीं रहे। मुझे प्रेरणादायक माहौल या प्रेरणादायक जो बातें थी उस उनसे ज्यादा बल मिला। परंतु हाँ, ये बात जरूर है कि बचपन से ही मेरे माँ पिताजी ने कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स की चर्चा की, क्योंकि उन्होंने देखिए, एक बात तो यथार्थ है हमारे देश में, जहाँ ये वर्ण वर्णाश्रम और चार वर्णों की जो व्यवस्था है, आदिवासी समाज को उसके भी बाहर केल बोल के बाहर में बराबर में नहीं रखा जाता, बल्कि नीचे रखा जाता है। और इसलिए आदिवासी समाज में आदिवासी ही नायक नायिकाओं की चर्चा हो तो
आदिवासी बच्चों को समझदारी में आसानी होगी, ये मेरे पेरेंट्स का मानना था। तो इसलिए मुझे बचपन से, एक तो मैं उरांव ट्राइब से आती हूँ, और हमारी एक नायिका, मतलब हिस्टोरिकल एक ये कहानी है कि रोहतास में, गढ़ में जब उरांव लोगों का राज था, और वहां शायद मुगल लोगों ने वहां कैप्चर करने के लिए चढ़ाई की थी, तो उस समय लड़ाई जीतने के बाद मर्द तो हड़िया पीकर वो मस्त हो गए, परंतु जो शत्रु थे उन्होंने बार बार उन्होंने बार बार चढ़ाई की ताकि उसको ये कॉन्कर कर पाते। और उस समय वहां जो राजकुमारी थी सिनगी दई, उसकी उसकी वीरता की कहानियां हम लोगों को, और क्योंकि मैं लड़की थी ना तो हमें नामों की कहानी बताई गई, और इसलिए मुझे जब इधर लक्ष्मीबाई इत्यादि की बात चर्चा होती थी, पर नहीं, हमारे लिए तो सिंगी दईस एक मेरे लिए आइडियल थी कि वो एकदम, मतलब फिजिकल और मेंटल, क्योंकि वो उनको उनकी उनको उनकी सेना भी थी, औरतों की सेना भी थी रोहतासगढ़ में उरांव लोगों के पास, तो इसलिए एक ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेरे पास था। साथ ही कॉन्टेम्पररी एग्जाम्पल्स के लिए भी मेरे माँ पिताजी ने बतलाया था कि हमारे एक आ, आ, मैं तो उन्हें बड़ा बाबा बोलती थी क्योंकि वो मेरे पिताजी के सीनियर थे, कार्तिक उरांव जी, स्वर्गीय कार्तिक उरांव जी जो एमपीपी रहे थे, तो वो वर्ल्ड रैंकिंग आर्किटेक्ट थे आदिवासी होने के बावजूद, तो ये बात मेरे मुझे बतलाई गई थी, और इसलिए बतलाया गया था कि टॉप 10 में से एक है। तो इस तरह के कॉन्टेम्पररी और हिस्टोरिकल नायक नायिकाओं की चर्चा मेरे घर पे होती थी। बाद में निकलते निकलते फिर ऑफकोर्स छोटा नागपुर और संथाल परगना के किसी भी बच्चे को ये बोलने की बिरसा मुंडा कौन है और वो ना जाने, तो ये तो लानत की बात है, तो इसलिए बिरसा मुंडा जी के बारे हम लोगों ने सुना। साथ ही झारखंड आंदोलन चल रहा था तो उससे जुड़े लोगों को हम लोग देखते थे, तो इसलिए कुछ हिस्टोरिकल और कुछ कॉन्टेम्पररी एग्जाम्पल्स को हमेशा देखने का मौका रहा। साथ ही साथ एकदम आइडियल एग्जाम्पल्स की भी चर्चा हमारे पारिवारिक माहौल में होती थी, जो कि धर्म से भी संबंधित है बोले, परंतु कि सत्य, न्याय और धार्मिकता, मतलब एकदम धर्म के रास्ते पर चलने वाला है ना, तो सत्य कभी चेंज नहीं होता, वही कांस्टेंट है, और झूठ बदलते रहेगा, और एक झूठ को बचाने के लिए बहुत झूठ, पर सत्य बोलो तो सत्य का की अपनी अहमियत है, तो सत्य, और फिर सत्य हो तो न्याय भी होगा, और सत्य, न्याय और धर्म, तीन चीजों के सहारे ये कॉन्सेप्ट हैं, और ये तीन फ्रेज मेरे बाइबल से आते हैं, और परंतु उनको उनके सहारे जी सकने के लिए प्रेरणा हम लोग, कुछ लोग जो यीशु पंथी माने जाएं, तो वो हम वो भी करते हैं कि हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम इन मूल्यों के सहारे हम आगे बढ़ें। और फिर आगे जब मैं कॉलेज में आती गई, और क्योंकि हमारे बिरसा मुंडा जी के बारे उतना ही हमें जानकारी होती थी जितना हम मतलब कहानी एक कहानियों में दूसरे सुनते थे। थे किताबों में नहीं पढ़ते थे, उसी तरह मुझे बहुत ही शर्म आती है कि मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे, क्योंकि मैं साइंस की छात्रा थी इसलिए कहीं नहीं पढ़ा जब तक मैं जेएनयू नहीं आई है ना, और यहाँ जब बातचीत बाहर क्लासरूम के बाहर की बातचीत के माहौल से मैंने बाबा साहब के बारे बहुत कुछ सीखा, तो इसलिए ये जो हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए इतने बड़े बड़े नायक नायिका हैं, ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले, इनके बारे छोटी छोटी ही कहानियां या छोटी छोटी किताबें ही हमें बचपन से बच्चों के आसपास इर्द गिर्द अगर हो तो हम बचपन से इन नायक नायिकाओं को पढ़ते सुनते आगे बढ़ सकते हैं। परंतु ये कितना, हमारी शिक्षा एकदम कंपार्टमेंटलाइज होती है ना, इसलिए सर्वांगीण शिक्षा होती नहीं, परंतु इसलिए एक और मेरा क्लीशे है कि लिटरेसी हैपेंस इनसाइड द क्लासरूम, एजुकेशन इज आउटसाइड, तो
इस ये मेरा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि जो जेएनयू में मैंने पाया, जो एजुकेशन है ना होलिस्टिक, वो क्लासरूम के बाहर भी जो होता जाता है उससे होता है। क्लासरूम के अंदर तो हम विषय वस्तु विषय की ही शिक्षा कर सकते हैं, तो इसलिए कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग उस तरह के नायक नायिका नहीं है, पर हाँ सिंगी दाई मेरी हमेशा ये रही थी। जी हाँ तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातचीत रही और बहुत सारी चीजें मुझे लगता है जानने को मिली आपके बारे में, और आपके बारे में जानते जानते हमने पूरे झारखंड के बारे में भी जान लिया और पूरी वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे भी। और मुझे लगता है कि आप जब उपकुलपति बनेंगी तो एक जो हम जैसा सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि एक वीसी कैसा होना चाहिए, वो लगता है कि आपके रूप में वो साकार हो जाएगा। हालांकि हम ये देखते हैं कि बहुत तरह की पार्शियलिटियां और ये सब चलती हैं, लेकिन यहाँ पर लोग आपके प्रति बहुत विश्वास जता रहे हैं। जितने मैसेज आए हैं सब आपको बहुत प्रेस कर रहे हैं और बहुत विश्वास जता रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम करेंगी। और खुशी की बात ये है कि हमारे इस लाइव शो में मैं कहूँगी एक्टिविस्ट और स्टूडेंट, शोधार्थी, प्रोफेसर, एमएलए साहब तक जुड़े हैं। बहुत बड़ा वर्ग है जो आपके लिए शुभकामना दे रहा है कि आप जब जाएं तो आप हम सब की जो मुबारकबाद लेके जाएं और ज्वाइन करें, तो पूरे दलित आदिवासी वंचित समूह के बच्चों को याद रखें और उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा हो जो वो, एक हमारे साथी ने कहा है कि आप जाएं जरूर लेकिन SC ST OBC और आदिवासी बच्चों का ध्यान रखें ताकि उनको कुछ इस तरह से निराशा ना हो। तो मैं जो भी आपका विशेष धन्यवाद करती हूँ सबकी तरफ से, और जो भी साथी यहाँ पर लाइव में रहे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जोहार, जय भीम, जोहार, फुल जोहार, जय भीम। जय भीम। हर महीने आपको भोजन आंदोलन के इतिहास की जानकारी देने वाला भोजन कैलेंडर, संपर्क करिए 9013942612 या फिर 0114142758 पर, या फिर ईमेल करिए dalitdastak@gmail.com। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है, यह चैनल आपकी आवाज उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं, बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक करें।